हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, वेलकम टू 10 मिनट्स कोड क्लास। सो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के डाटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। पाइथन में मेनली जो डाटा टाइप्स होते हैं वो है इंटीजर, उसके बाद आता है फ्रेंड्स स्ट्रिंग, उसके बाद आता है फ्रेंड्स फ्लोट, देन वी हैव लिस्ट, देन वी हैव टपल, देन वी हैव डिक्शनरी फ्रेंड्स, देन वी हैव सेट, उसके बाद फ्रेंड्स एक बूलियन डाटा टाइप होता है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये मेन डाटा टाइप्स है पाइथन के अंदर। सो हम हर एक डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे एंड वील सी के हर डाटा टाइप का मतलब क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर से। इंटीजर फ्रेंड्स, इंटीजर डाटा टाइप जो है वो किसी भी इंटीजर को स्टोर करने के लिए होता है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर मैं लिखूं ए इक्वल्स टू 10, सो इसका मतलब फ्रेंड्स कि मैंने ए के अंदर 10 इंटीजर स्टोर कर दिया है। इंटीजर की वैल्यू 10 है और मैंने उसे ए के अंदर स्टोर कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं बी के अंदर 20 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ तो मेरे पास 30 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज ए भी एक इंटीजर था एंड बी भी एक इंटीजर था, सो ए प्लस बी मेरे पास इंटीजर आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड डाटा टाइप के बारे में बात करते हैं, विच इज स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड्स, सो आप ऐसे समझ लो कि आपको कुछ भी नाम अगर स्टोर करना है देन यू हैव टू स्टोर इट इन स्ट्रिंग डाटा टाइप। ओके फ्रेंड्स, कोई भी नाम है, कुछ भी सेंटेंस है इंग्लिश का, कुछ भी है अदर देन इंटीजर फ्लोट, इनके अलावा व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि अगर मैं एस इक्वल टू नाम लिख देता हूँ 10 मिनट्स कोड क्लास का। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया है स्टोर, एस के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो गया। सो अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ देन आई विल गेट 10 दिस मिनट्स कोड क्लास। ओके फ्रेंड्स, सो स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स का डिफरेंस होता है। मेरा मतलब कि अगर आप सिंगल कोट्स में लिखोगे तो आपका वो एरर प्रोड्यूस करेगा फ्रेंड्स, बट इन केस ऑफ पाइथन देर इज़ नो सच लिमिटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं डबल कोट्स में लिखूं या मैं सिंगल कोट्स में लिखूं, मेरी वो स्ट्रिंग ही डिक्लेयर होगी और वो वैलिड होगी। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में स्ट्रिंग डिक्लेयर करी थी एंड यहाँ सिंगल कोट्स में, सो वो दोनों की दोनों सही आउटपुट दे रही हैं। ओके फ्रेंड्स, स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी नेम स्टोर कर सकते हो या फिर आपको कुछ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, जैसे प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एन। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो है एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ये एक स्ट्रिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इंटीजर कवर कर लिया है, हमने स्ट्रिंग कवर कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू कवर फ्लोट डाटा टाइप। सो फ्रेंड्स, फ्लोट इंटीजर से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इंटीजर के अंदर हमारे पास 10 होता है, फ्लोट के अंदर हमारे पास 10.0 होता है। ओके फ्रेंड्स, सो कुछ भी अगर मुझे डेसिमल के बाद लिखना है सो हम उसे फ्लोट डाटा टाइप कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट का कंसेप्ट है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फ्लोट उन्हें कहते हैं जिनके आगे हम कुछ भी पॉइंट के आगे लिख सकें। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने एफ लिख दिया है 10.0001 एंड मैं सी लिख देता हूँ 25.01। ओके फ्रेंड्स, सो अगर मैं इन दोनों को अब ऐड करता हूँ सो मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू वापस आएगी 35.0101। इसका मतलब है कि जब भी आप 10 के आगे 0.0001 या 10 के आगे या किसी भी इंटीजर के आगे पॉइंट लगाएंगे और कुछ लिखेंगे
then it becomes a float. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डाटा टाइप पे चलते हैं जो कि है लिस्ट. सो फ्रेंड्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट, फ्रेंड्स ये थोड़े एडवांस्ड डाटा टाइप्स हैं. सो इनके बारे में बात मैं अपकमिंग वीडियोस में करूँगा. हर एक डाटा टाइप को एक पूरी वीडियो देनी पड़ेगी फ्रेंड्स. लिस्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, टपल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, डिक्शनरी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी एंड सेट के लिए भी फ्रेंड्स एक सेपरेट वीडियो बनेगी. सो उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए आप इन डाटा टाइप्स को छोड़ दो, ये नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम इन्हें भी कवर कर लेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो उसके बाद आता है बूलियन. बूलियन का मतलब है फ्रेंड्स कुछ भी ट्रू या फॉल्स. सो अगर मैं बोलूँ कि इज दिस एन एप्पल, सो उसके दो आंसर होंगे, येस दिस इज एन एप्पल या फिर नो दिस इज नॉट एन एप्पल. ओके फ्रेंड्स, सो बूलियन हमारी बूलियन की दो वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स. सो अगर मैं ले लूँ इसे कि अगर एग्जांपल लूँ मैं इज एप्पल. ओके फ्रेंड्स, इसे मैंने असाइन कर दी वैल्यू ट्रू. अब एक चीज का ध्यान रखना है कि पाइथन के अंदर ट्रू में टी कैपिटल होता है. ओके फ्रेंड्स, सो इसे मैंने कह दिया एंटर. अब मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ बूलियन डाटा टाइप का ही. ओके फ्रेंड्स, उसे मैं कहता हूँ इज बनाना, इसे मैं कह देता हूँ फ्रेंड्स फॉल्स, क्योंकि अगर एक एप्पल है तो वो बनाना तो नहीं हो सकता ना फ्रेंड्स. सो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हम किसी दो वेरिएबल्स का एंड लेते हैं, ये फ्रेंड्स एंड ऑपरेटर है. ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स, आप देखिए, एक की वैल्यू तो थी ट्रू और दूसरे की वैल्यू थी फॉल्स. सो एज वी नो दैट ट्रू एंड फॉल्स गिव्स अस फॉल्स, सो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आ गई है फॉल्स. सो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर मैं लिखूं इज एप्पल और इज बनाना, ओके फ्रेंड्स, तो क्या आउटपुट आएगा. यहाँ पे जो और है वो हमारा जो ने सेट थ्योरी में पढ़ा था वो वाला और है. सो दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स गिव्स अस ट्रू आउटपुट. ओके फ्रेंड्स, तो आउटपुट ट्रू आ गया. सो ये तो फ्रेंड्स बात थी बेसिक डाटा टाइप के बारे में. अब मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको किसी डाटा टाइप का निकालना है कि वो कौन से टाइप का डाटा उसके अंदर स्टोर हुआ है. आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको जानना है कि ए के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हुआ है, देन यू कैन राइट दिस प्रिंट. यहाँ पे फ्रेंड आपको टाइप कीवर्ड लिखना है और उसके अंदर आप अपना वेरिएबल का नाम डाल दीजिए. सो मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ. ए के अंदर मुझे पता है कि मैंने इंट स्टोर किया है. सो मैं यहाँ ए डाल देता हूँ एंड आई प्रेस एंटर. सो फ्रेंड्स आ गया हमारे पास क्लास इंट. ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर मैं एस डालता हूँ प्रिंट टाइप एस. ओके फ्रेंड्स, सो आ गया क्लास स्ट्रिंग. फ्रेंड्स आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम अपकमिंग वीडियोस में एक एक डाटा टाइप को लेकर उसके ऊपर और बात करेंगे. ओके फ्रेंड्स, हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे इंटीजर के ऊपर, हम स्ट्रिंग के बारे में और डीपली देखेंगे, हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट तो मैंने बताया फ्रेंड्स आगे आने वाली कुछ वीडियोज में कवर करेंगे. सो जस्ट चिल एंड कंटिन्यू विद दिस. ओके फ्रेंड्स, सो आपको अगर कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी है इसमें, देन जस्ट आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज. ओके, थैंक यू, बाय बाय.